हेलो एवरीवन, मैं आज आप सभी के साथ सिंधी स्पेशल भुगल पल्ली, जो कि बहुत ही खाने में ज़्यादा टेस्टी होती है, उसकी रेसिपी आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसे बनाने के लिए एक बोल पालक और एक बोल पल्ली लेंगे, जिसे चना भाजी भी कहते हैं। इसमें थोड़ा सा हरा धनिया, हरी लहसुन और हरी मिर्ची डालेंगे। इन सभी को 3 से 4 बार पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। उसके बाद इन्हें कट कर लेंगे बारीक बारीक। इसके बाद एक पैन या कढ़ाई लेंगे, इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, इसमें जीरा डालेंगे, एक छोटे साइज का प्याज डालेंगे और प्याज को ट्रांसलूसेंट होते तक अच्छे से भून लेंगे। जब प्याज भून जाएगा और थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट हो जाएगा, तो इसमें हमारी वॉश की हुई और कटी हुई चना भाजी और पालक ऐड करेंगे और इसमें थोड़ा सा नमक डाल के ढक कर कुछ देर के लिए पकने रखेंगे। जब पल्ली थोड़ी सी गल जाए और इसमें थोड़ा पानी आने लगे, तो इसमें 3 मीडियम साइज के कटे हुए टमाटर ऐड करेंगे। इसमें लाल मिर्च पाउडर और सूखा धनिया पाउडर ऐड करेंगे और इसे ढक कर दोबारा से टमाटर के गलने तक अच्छे से पका लेंगे। जब टमाटर थोड़े से मैशी हो जाएंगे, तो इसे चम्मच की सहायता से अच्छे से मैश कर लेंगे। इसमें बॉइल्ड किए हुए ढेंस या जिसे आप कमल ककड़ी भी कह सकते हैं, उसे ऐड करेंगे और इसे दोबारा से ढक के थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। जब इसका पानी सूखने लगेगा, तो हमारी पल्ली बनकर बिल्कुल रेडी है। ये देखिए, इसका पानी पूरा सूख चुका है और ढेस भी काफी अच्छे से गल चुके हैं। चना भाजी या जिसे आप भुगल पल्ली भी कह सकते हैं, बनकर बिल्कुल रेडी है। आप इसे चावल की रोटी के साथ